विश्वकर्मा दिवस के पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक डॉक्टर बालो चप्पा जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से अमित मोहन प्रसाद जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री शरद एस चांडक जी, कोऑर्डिनेटर एसएलबीसी श्री समीर रंजन पंडा जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जो बैंकर्स हैं और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी उद्यमी और प्रदेश में अपनी हुनर के लिए जिन्होंने और जिनके पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया है, ऐसे सभी हस्तशिल्पी और कारीगर उपस्थित भाइयों बहनों, सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि सृष्टि के शिल्पी और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है तो मोदी जी ने नए भारत की रचना में 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी व्यापक अपने विजन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और आज इसीलिए एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है, उस दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा संचालित इस योजना को पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया है। विभाग को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मैं इस अवसर पर अपने राज्य से जुड़े हुए सभी बैंकर्स को, यहाँ पे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय समन्वयक भी आए हैं, क्षेत्रीय यहाँ पर निदेशक आए हैं, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और एसएलबीसी के साथ साथ हमारे बैंकर्स, जो बैंक के महाप्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने प्रदेश के उद्यमियों के लिए प्रदेश भर में जहां कहीं भी प्रदेश सभी 75 जनपदों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें हमारे सांसद मान्य विधायक गण, प्रदेश सरकार के मंत्री उन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारता है। आपने देखा होगा
सन 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से परंपरागत उद्यम के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की एक अभिनव योजना थी। केवल प्रदेश के हुनर को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नहीं था, उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी था। और याद रखना, कोई भी बड़ा उद्यम, कोई बड़ा उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर उसके पास मौजूद न हो। और उत्तर प्रदेश इस दृश्य सौभाग्यशाली है कि एमएसएमई का एक बहुत बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास परंपरागत रूप से था, लेकिन उपेक्षित था, बंदी की कगार पर था, दम तोड़ रहा था। और तब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस योजना ने परंपरागत उद्यम में एक जान फूंकी, लाखों लोगों को इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। और देखते ही देखते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश की योजना बन गई। प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला इसको माना और आज ये पूरे देश की योजना बन चुकी है। इसी प्रकार से सन 2019 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने गांवों में निवास करने वाले, कस्बों में निवास करने वाले परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए नाऊ है, मोची है, धोबी है, बड़ई है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, स्वर्णकार है, इन सभी 17-18 जो अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्पी और कारीगर गांवों में या कस्बों में निवास करते हैं, उसकी आवश्यकता, उस गांव को उसने, उसके पूर्वजों ने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन समय के अनुरूप लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोग अपने तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था, श्रम का सम्मान मिले और उसे हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना जनवरी 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की। मुझे प्रसन्नता है अब तक 1,00,000 से अधिक ऐसे कार्यकरों को, ऐसे हस्तशिल्पियों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाया, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मैं भी पूछ रहा था, एक नौ प्रशिक्षण लेने के बाद टूल किट प्राप्त किया, टूल किट प्राप्त करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ कितना पैसा लेते हैं, उन्होंने बताया बाल बनाने का 40 रुपया, दाढ़ी वगैरह बनाना हो 30 रुपया, लेकिन गांव में अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से करता है तो पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पे जमीन पे बैठ के करता है, कोई 5 रुपया देता है, कोई 5-7 रुपया देता है, ऐसे दे करके उसको छुट्टी कर देता है। लेकिन अगर यही नौजवान सैलून बनाने का काम, सैलून बना ले और सैलून बना करके थोड़ा सिस्टम के साथ उसको जोड़ दे तो पैसे की झड़ी लग जाएगी उसके पास, तब उसको 5-7 रुपए में नहीं, मुझे लगता है 100 रुपए से कम में उसका काम नहीं चलेगा, 100 रुपया उसको तत्काल मिल जाएगा, कोई भी जाएगा 100 रुपया देगा वहां पर, उसके श्रम का सम्मान हो रहा है। और श्रम को सम्मान के साथ जोड़ने का ही एक कार्यक्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ जोड़ा गया था और कल इसको एक बड़े स्केल में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री